So very warm welcome to all present in the class. We have already covered few topics from the first module. We have covered different definitions of solubility, solubility expression and solute solvent interactions. Today we are going to start with a very important topic. This is important from the perspective of your examination. क्योंकि इफ़ यू सी लास्ट ईयर द पेपर्स द हर साल ईदर इन द 5 मार्क्स और इन द 10 मार्क्स यू विल गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग. वेन एवर यू गेट द क्वेश्चन फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू वाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन इज यू विल ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ आई समराइज दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट एंड इफ आई कैटेगराइज डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग. देर आर फोर फैक्टर्स बेसिकली which are responsible for that. The first factor is your solute related. This is your first factor. The second factor is your solvent related. ठीक है राजे. Third factor जो होगा affect करेगा मेरी solubility of drug को that will be environment related. And the fourth factor will be my formulation related. अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इन माय सॉल्यूशन आई हैव डिस्कस्ड कि मेरे दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना. थर्ड होता है उस वो एनवायरनमेंट जिसमें मेरा वो सॉल्यूशन बन रहा है. ठीक है राजे. यहाँ तक तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और ईजिली अपने आप को मतलब एक्नॉलेज कर सकते हो कि हमने कैसे इन फैक्टर्स में इनको डिवाइड किया. फर्स्ट हो जाएंगे जो मेरा सल्यूट है उससे रिलेटेड फैक्टर्स होंगे. सेकेंड किस सॉल्वेंट में अपना सल्यूशन बना रही हूँ वो फैक्टर्स इकट्ठे होके मेरे सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे. थर्ड वो एनवायरनमेंट जिसमें मैं बना रही हूँ. यहाँ तक तो हमें आइडिया है जो हमने इनिशियल के दो लेक्चर्स में डिस्कस किया. फोर्थ कैटेगरी आपके लिए न्यू होगी फॉर्मुलेशन रिलेटेड, बट यू कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड क्योंकि हमने फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ा है, है ना. जब भी फॉर्मुलेशन समझते हो राजे क्या होती है. एक होती है ड्रग, है ना. ड्रग की अपनी एक्टिविटी होती है और ड्रग कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखा सकता है. व्हाई वी टेक ड्रग. हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई पैरामीटर डिस्टर्ब्ड है, उस पैरामीटर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने एक ड्रग ली. जो फॉर एग्जाम्पल वी हैव फीवर, वी हैव टेकन वन ड्रग जिसने हमारी बॉडी को कूल डाउन कर दिया और फीवर हमारा रिलीव हो गया, है ना. तो ये एक्शन शो करने वाला एजेंट इन माई मेडिसिन इज माई ड्रग, है ना. फॉर्मुलेशन को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं राजे. द कंज्यूमर फॉर्म ऑफ योर ड्रग, जो फॉर्म में हम वो मेडिसिन ले रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं टेबलेट की बात कर रही हूँ. आई एम टेकिंग टेबलेट. टेबलेट में ड्रग जो होती है वो सिर्फ कुछ पोर्शन होती है. बाकी पोर्शन जो सारा और यू कैन से द मेजर बल्क ऑफ योर टेबलेट इज फॉर्म्ड बाय सम अदर एजेंट्स विच आर नॉट शोइंग दैट पर्टिकुलर इफेक्ट जो हमें डिजायर. फोर्थ फैक्टर विच विल अराइज विल बी फॉर्मुलेशन. वाई फॉर्मुलेशन. टेबलेट की बात की, जो एक्सीपियंस हैं उनके साथ मेरी ड्रग कैसे इंटरैक्ट कर रही है. ऑल दोज फैक्टर्स will be discussed in my last factor, that is my formulation. So we will take up all these factors one by one and we'll try to understand ki sare factors mein with examples ki kaise meri solubility of drug ko ye factors influence karte hain. Theek hai Rajesh. So taking the first factor which is my solute related, today I will take only two factors. One will be solute and second will be the solvent. सो सॉल्यूट के मेरी ड्रग के कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को गवर्न कर सकते हैं. दे आर फर्दर ऑफ फोर टाइप्स. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ड्रग, सेकेंड नेचर ऑफ द ड्रग, थर्ड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड फोर्थ फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग. ठीक है राजे, क्लियर है यहाँ तक. मूविंग अहेड, अब एक एक फैक्टर को हमने डिस्कस करना है.
सबसे पहले ले लेते हैं हम हमारा स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ड्रग. इन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ड्रग रजे, इफ आई टेक फ्यू केसेस और फ्यू एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल या सबसे पहला केस कौन सा हो जाता है कि मेरी ड्रग में कितने नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है. मेरी ड्रग में कितने पोलर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट विल गवर्न कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ माय ड्रग इन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइक डिसॉल्व लाइक. पोलर सॉल्यूट्स गेट बेटर सॉल्युबलाइज्ड इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट्स गेट बेटर सॉल्युबलाइज्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. सो कितने नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है मेरी ड्रग में, दैट विल गवर्न कि मेरी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट कैसी है. ठीक है राजे, अब अगर मैं पोलर ग्रुप्स के बारे में बताना चाहूँ कि पोलर ग्रुप्स होते कौन से, द मोस्ट कॉमन पोलर ग्रुप्स आर योर एल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप. योर एल्डिहाइड ग्रुप CHO. ठीक है, नेक्स्ट कीटोन CO, नेक्स्ट COOH विच इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नेक्स्ट योर अमीन ग्रुप. ठीक है राजे, व्हाई प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप्स इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन पोलर सॉल्वेंट्स, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट इन माई सल्यूट, ग्रेटर विल बी द चांसेस कि मेरे जो वो पोलर ग्रुप्स है दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद माई वॉटर. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जो ड्रग्स मेरी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती हैं दे विल बी बेटर सॉल्युबलाइज इन वॉटर. ठीक है, क्योंकि वॉटर जो मेरा है वो कोई भी ड्रग को कोई भी एजेंट को सॉल्युबलाइज कर लेता है जो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, दीज पोलर ग्रुप्स हैव अ टेंडेंसी टू सॉल्युबलाइज देम इन वॉटर बिकॉज दे कैन ईजिली फॉर्म हाइड्रोजन. So the first case here under the first factor structural feature of drug is greater the number of polar groups present in my drug, more will be the solubility of that drug in polar solvent. Second इसमें आ जाता है राजे, अब polar groups की बात की तो second आ जाता है आपका ratio of polar to non-polar ग्रुप्स इन अ ड्रग. पहला तो कितने पोलर ग्रुप्स हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे आपकी सॉल्युबिलिटी में. सेकेंड, अब किस रेशियो में मेरे पोलर टू नॉन पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है मेरी ड्रग. ठीक है, पोलर ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि ये वाले जर्नली पोलर ग्रुप्स हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये इजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं हमारी वाटर मॉलिक्यूल के साथ एंड दे कैन इजिली गेट सॉल्व. नॉन पोलर में एग्जाम्पल अगर हमने बहुत कॉमनली लेनी हो तो हम ले लेते हैं कार्बन बैक चेन की, जो लास्ट टाइम भी हमने ली है. कार्बन की चेन चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो ब्रांच्ड हो, दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नॉन पोलैरिटी इन अ ड्रग. ठीक है, अब पोलर आइडेंटिफाई कर लिए ग्रुप, द नॉन पोलर कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेनली किसका होता है, जो हमारी कार्बन बैकबोन. ठीक है राजे, ग्रेटर द रेशो, अगर मेरी ड्रग में पोलर ग्रुप्स की रेशो ग्रेटर है देन नॉन पोलर ग्रुप्स, मेरी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि ओवरऑल मेरी वो ड्रग पोलर होगी, है ना. जैसे मेरी नॉन पोलैरिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, और इन अदर टर्म्स आई कैन से मेरी कार्बन चेन की लेंथ मेरी ड्रग में इंक्रीज होगी, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ माई ड्रग इन माई पोलर सॉल्व. ठीक है, अब कोई भी चीज कोई भी फैक्टर जो मेरी इस कार्बन चेन की नॉन पोलैरिटी को रिड्यूस करेगा, कोई भी फैक्टर जो मेरी कार्बन चेन की नॉन पोलैरिटी को रिड्यूस करेगा, दैट विल इनडायरेक्टली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन एक्वस सॉल्वेंट. अब कौन से फैक्टर थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए,
एक फैक्टर क्या था कि इस स्ट्रेट चेन की बजाय अगर हम ब्रांच्ड चेन ले लें, सो ओवरऑल नॉन पोलैरिटी ऑफ अ ब्रांच्ड 4 कार्बन चेन इज लेस देन द ओवरऑल नॉन पोलैरिटी ऑफ माई स्ट्रेट चेन. ठीक है, ये वाला मेरा लेस नॉन पोलर होगा देन दिस वन. ठीक है राजे, दैट मीन्स दिस ड्रग विल बी मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू दिस ड्रग. ओके, ये सेकेंड पॉइंट ये आपका हो जाता है. सेकेंड पॉइंट में राजे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू हैव ऑलरेडी हर्ड अ टर्म कॉल्ड माइसिल. माइसिल सबने पढ़े हुए सुने हैं, पढ़े हैं, स्पेशली पढ़े होंगे राजे आपने डिटर्जेंट्स के केस में. जब हम 11th 12th में पढ़ते हैं सोप एक्शन या डिटर्जेंट एक्शन, उसमें हम पढ़ते हैं माइसिल्स. माइसिल्स हम बेसिक यूनिट क्या होता है, वी हैव अ पोलर हेड. इन माइसिल वी हैव अ पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर टेल. वी हैव अ नॉन पोलर टेल एंड अ पोलर, है ना. जो ये नॉन पोलर टेल होती है ना राजे, ये हमारी यही कार्बन कार्बन बैकबोन की ही बनी होती है, जो हमने यहाँ पे कार्बन कार्बन बैक चेन की ही बनी होती है. एंड इन पोलर हेड यू यूजुअली हैव दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. ठीक है राजे, सो हियर आई हैव सेड इन द सेकेंड पॉइंट, आई हैव सेड कि एज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन पोलर ग्रुप्स डिक्रीजेस इन माई ड्रग, द मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. बट इट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अप टू सम लिमिट, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होती है, एक लिमिट आएगी जब मेरी कार्बन चेन इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वो इस फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ से मेरे माइसिल फॉर्मेशन ओरिजिनेट हो जाएगी. ठीक है, वंस माइसिल्स आर फॉर्म्ड, माइसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है, माइसिल्स जब बन जाते हैं, माइसिल्स बेसिकली सॉल्युबिलिटी को मार्केटली इंक्रीज कर देती हैं. मूविंग अहेड, माय सेकंड फैक्टर व्हिच इज द नेचर ऑफ माय ड्रग. नेचर ऑफ ड्रग में रजे वी विल डिस्कस 3 फैक्टर्स. द फर्स्ट फैक्टर विल बी माय पार्टिकल साइज, सेकेंड विल बी माई सरफेस एरिया एंड द थर्ड फैक्टर विल बी माई शेप. सो द सेकेंड फैक्टर अंडर माई सॉल्यूट रिलेटेड फैक्टर विच इज द नेचर ऑफ ड्रग, आई विल डिस्कस अबाउट द 3 फैक्टर्स. वन विल बी द पार्टिकल साइज, सेकेंड विल बी द सर्फेस एरिया एंड थर्ड विल बी द शेप. द फर्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, आई हैव सेड दैट इज माई पार्टिकल साइज एंड सर्फेस एरिया, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड. माई पार्टिकल साइज एंड सर्फेस एरिया, हम सबको पता है एज वी रिड्यूस द पार्टिकल साइज, जैसे ही हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देते हैं क्या होता है, हमारा जो सर्फेस एरिया है वो मार्केटली इंक्रीज हो जाता है. तो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, मोर सर्फेस एरिया ऑफ माई ड्रग विल नाउ बी इन कंटैक्ट विद माई सॉल्वेंट, मेरे सॉल्वेंट के वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होगा. एंड वॉट आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है राजे, सो एज आई रिड्यूस द पार्टिकल साइज, आई एम इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, मोर एंड मोर एरिया ऑफ माई ड्रग और मोर एंड मोर ड्रग इज कमिंग इन कंटैक्ट विद माई सॉल्वेंट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ माई ड्रग इन दैट सॉल्वेंट इज इंक्रीज. ठीक है, दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अप टू वन लेवल. ठीक है, मेरा साइज 100 माइक्रोग्राम था, माइक्रोमीटर था सॉरी, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया टू 10 माइक्रोमीटर, मेरा सरफेस एरिया मार्केटली इंक्रीज हुआ और मेरी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज. कोई भी सोच सकता है, कोई भी फर्दर प्लान कर सकता है कि इसको मैं अगर नीचे और ले जाऊं साइज को, उतना ज़्यादा सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रूव हो जाएगी. जैसे जैसे हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, वॉट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, बट वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग द एरिया ऑन विच चार्ज कैन गेट डिपॉजिट.
आप रिड्यूस कर रहे हो साइज को, यू आर गेटिंग बेनिफिशियल रिजल्ट बाय इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, यू आर इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी, बट ये ट्रेंड फॉलो होगा अप टू वन लिमिट। एक लिमिट के बाद क्या होगा, आपके पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाएंगे कि उनके ऊपर इतना ज्यादा चार्ज डेवलप हो जाएगा कि दे विल टेंड टू एग्रीगेट, वो आपस में एग्रीगेट बनाने स्टार्ट कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग by reducing the particle size, instead of getting a higher surface area, what will you get? कि वो particles आपस में एक दूसरे के साथ join करके एक bigger particle आपको दे देंगे, आपका जो resultant surface area होगा वो indirectly reduce हो जाएगा। Surface area reduce होगा तो आपकी solubility भी reduce हो जाएगी। ठीक है राजे, clear है? जो इसमें second category है which is your shape, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे व्हाट वी कैन डू, हम हमेशा कहते हैं कि जितने हमारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर दोस जिनमें लैटिस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको अपने लैटिस में से रिमूव आउट करने के लिए, ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको रिमूव करने के लिए लैटिस में से, उतनी लोअर सॉल्युबिलिटी होगी उस ड्रग की इन माय सॉल्यूशंस। सॉल्व, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसोल्यूशन फिनोमेना, है ना, डिसोल्यूशन फिनोमेना होता कैसे, उसमें क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप में आपके सॉल्यूट जो है अपने लैटिस में से रिमूव होता है, लिबरेट होता है। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाए आपको उस मॉलिक्यूल को लिबरेट करने के लिए फ्रॉम द लैटिस, तो क्या होगा, मेरा सॉल्यूट का वो मॉलिक्यूल लैटिस में से रिमूव ही नहीं होगा और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करेगा। स्टेज वन ही स्टॉप हो रही है तो स्टेज टू थ्री मेरी प्रोसीड ही नहीं होगी, सो लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। इसमें एक और एग्जाम्पल आ जाती है, आई विल टेक टू ड्रग्स, वन विल बी माई अल्फा एलेनिन एंड सेकेंड विल बी माई अल्फा अमाइनो एन ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है राजे, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमाइनो एन ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है राजे, अगर मैं इसको इतना पोर्शन में काट दूं और यू कैन से कि दिस कार्बन को मैं डिटैच कर दूं, दिस पोर्शन इज माय एलेनिन, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से, एलेनिन में मेनिया थ्री, इन एलेनिन आई हैव थ्री कार्बन्स, 1, 2, 3, इन अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड आई हैव 4 कार्बन्स, ठीक है। लास्ट हमने स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ड्रग में बात की, अब जो पोलर ग्रुप्स हैं वो COOH है और NH2 है, दोनों में प्रेजेंट है वो, तो पोलैरिटी जो कंट्रीब्यूट कर रही है ना, वो हमारे दो ग्रुप्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक COOH और NH2। नॉन पोलर कंट्रीब्यूशन मेरी इन एलेनिन इज लेस देन इन अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, क्यों, क्योंकि मेरे अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड में 1 कार्बन एक्स्ट्रा है एंड दे ऑल आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन, तो हमारी ब्रांचिंग वाली कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं। तो अगर मैं लास्ट स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ड्रग उससे कंक्लूड करना चाहूँ, तो वॉट आई कैन कंक्लूड कि मेरी एलेनिन की सॉल्युबिलिटी मस्ट बी हायर देन अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड इन एक्वा सॉल्वेंट। अगर मैं किसी भी एक्वा सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ तो बिकॉज माई एलेनिन हैज लेसर नंबर ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू माई अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, माई एलेनिन मस्ट बी मोर सॉल्युबल इन वॉटर एज कम्पेयर टू द अदर। बट ओरिजिनली होता क्या है, ओरिजिनली ऐसा ना हो के एलेनिन की सॉल्युबिलिटी इज लेस देन अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ऑल्दो अल्फा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड
has more non-polar groups or more contribution of, or the ratio is favoring the non-polar groups as compared to the polar groups, still alpha amino butyric acid is more soluble in water as compared to alanine, just because जो लेटेस्ट अरेंजमेंट मेरा एलनिन का है उससे मेरा अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का मोर रिलैक्स्ड है. ठीक है राजे, मेरे एलनिन में लेटेस एनर्जी इज मच मच हायर एज कंपेयर टू द लेटेस एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. ठीक है राजे, इसीलिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्फा एलनिन इज लोअर देन माय अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक. थर्ड फैक्टर इज योर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. दिस इज योर थर्ड फैक्टर जो मेरे सॉल्यूट रिलेटेड फैक्टर्स में आ रहा है. फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चे आई विल डिस्कस टू बेसिक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. वन विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट एंड द अदर प्रॉपर्टी विच आई विल डिस्कस टूडे इज योर मॉलिक्यूलर. मेल्टिंग पॉइंट की चीज होंगी है रची, वॉट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट और वो टेम्परेचर जहां पे मेरी वन फेज इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द अदर. हेयर क्या कन्वर्जन मैं देख रही हूँ? फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, है ना. अगर हम सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाले लेक्चर पे वापस चले जाते हैं तो क्या होता है, मेरा सेम सल्यूट है ना, विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फेज. जब वो लिक्विड फेज में जाएगा तो क्या होगा कि उसके जो कुछ बॉन्ड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को विदस्टैंड करके विदहोल्ड करके रख रहे हैं वो ब्रेक होंगे, है ना. बिकॉज मोर सिमेट्रिक अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फेज. लिक्विड फेज में एज कम्पेयर टू द सॉलिड फेज मेरे जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा रिलैक्स्ड होगा. फर्दर जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगी, लिक्विड से मेरी फ्री मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की स्टार्ट हो जाएगी इन गैसेस, और यू कैन से लेसर सिमेट्री होगी और मेरे मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते. ठीक है राजे, अब जितनी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उतना इजी होगा हमारे लिए बॉन्ड्स को ब्रेक करना और सॉलिड से लिक्विड फेज में उसको ट्रांसफर करना. अब कोई ड्रग जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज टूवर्ड्स द लोअर साइड, जिसको बहुत कम हीट चाहिए टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब यू कैन से कि उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, लेसर लेटेस एनर्जी इज इक्वल, ग्रेटर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक है, क्योंकि मेरे सॉल्वेंट को उतनी कम लेबर करनी पड़ेगी उसके मॉलिक्यूल्स को लिबरेट करने के. ठीक है, सेकेंड जितनी हायर मेरा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी अपने सॉल्यूट को टू ब्रेक इट्स लेटस, उतनी कम सॉल्युबिलिटी मेरी उस ड्रग की इन सॉल्वेंट होगी. ठीक है राजे, ऑन द अदर हैंड इन मॉलिक्युलर वेट, जितना ड्रग का मॉलिक्युलर वेट हायर होगा उतनी लोअर सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि उतनी बेटर अरेंजमेंट और बेटर स्ट्रक्चर में वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उतने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उतने हैवी एलिमेंट्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी लोअर होगी, क्योंकि मेरे सॉल्वेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस सॉल्यूट को अपने में सॉल्युबलाइज करने के. सो कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी फ्रॉम माई फर्स्ट फैक्टर दैट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट रिलेटेड इज माई फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग. अब किस फॉर्म में मेरी ड्रग प्रेजेंट है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद करनी है और जो क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट है बच्चे, एक टर्म होती है अमॉर्फस ड्रग और दूसरी होती है क्रिस्टलाइन ड्रग. इन क्रिस्टलाइन फॉर्म नेम ही स्पेसिफाई कर रहा है, मेरी ड्रग क्रिस्टल्स की फॉर्म में है और बेटर लैटिस और बेटर अरेंजमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से कि अमॉर्फस ड्रग्स मेरी आर प्रेजेंट इन द एसिमेट्रिक फॉर्म, उनमें कोई सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में कोई सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी. सो आउट ऑफ दीज टू अमॉर्फस विल बी मोर सॉल्युबल देन द क्रिस्टलाइन. Why? Because it is present in the lesser symmetric form.
जितना सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है राजन, सेकेंड इसमें एग्जाम्पल आ जाती है मेटास्टेबल ड्रग और मेटास्टेबल क्रिस्टल्स, एंड दूसरे आ जाते हैं स्टेबल क्रिस्टल्स। अब स्टेबल है, जितना स्टेबल होगा उतना वो अपने अरेंजमेंट में सेटिस्फाई होगा, उसको ब्रेक करने में उतनी एनर्जी लगेगी। जितना मेटास्टेबल और जितना वो डीस्टेबलाइज्ड होगा उतनी इजीली आप उसको ब्रेक कर सकते हैं ना। सो मेटास्टेबल इज मोर सॉल्युबल देन योर स्टेबल। ठीक है राजे, थर्ड आपके पास आ जाती है टर्म एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ड्रग्स एंड द हाइड्रेट्स। हाइड्रस होती हैं वो ड्रग जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि लैब में कोई सॉल्ट पड़ा है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखा होगा। ठीक है, दीज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये क्या होते हैं, ये मेरे सॉल्ट में ऑलरेडी उसकी स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हुए। ठीक है राजे, दीज स्ट्रक्चर और दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट अलॉन्ग विद माई कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को ही वाटर में सॉल्युबलाइज करना है और मेरा कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है, एक केस ये है, दूसरा मेरे पास है जिसमें मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज माई एनहाइड्रस फॉर्म, जिसमें से मैंने वो जो वाटर मॉलिक्यूल लेटेस्ट में थे उनको रिमूव कर दिया। सो आउट ऑफ दीज टू, एक था हाइड्रस जिसमें मेरा कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक था, और एक है मेरे पास एनहाइड्रस जिसमें मेरा कैल्शियम क्लोराइड अकेला पड़ा है, वाटर मॉलिक्यूल लेटेस्ट में नहीं है। सो आउट ऑफ दीज टू विच वन विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर? ऑब्वियसली द वन विच इज नॉट हैविंग वाटर will be more soluble in water as compared to the hydrous, क्योंकि hydrous पहले ही मेरा दो molecules के साथ join हुआ। Next आ जाती है राजे आपकी salt form drug की, is more soluble than the non-salt form, ये हम सबको पता है। कोई भी drug अगर solubilize नहीं होती तो pharmacy में हम सबसे easy क्या करते हैं, उसका salt बना दो। Why salt बना दो? Salt हम उसे ही कहते हैं राजे which can easily get ionized। आयोनाइज का मतलब जिसके आयंस बहुत इजीली बन जाते हैं, जिसके आयंस बन जाएंगे वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा होगा ही होगा। लास्ट जिम्मे आपा है हाइड्रोस एंड हाइड्रोस की गल की थी राजे, उसी तरह नाल मेरे आ जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दीज आर मोर सॉल्युबल देन अनसॉल्वेटेड फॉर्म। दिस applies when you are taking water as my solvent। organic solvents क्या होते हैं, organic molecules जिनमें water already present होता है। ठीक है, organic molecules have lesser solubility in water। ठीक है, एक तरफ मेरे पास organic molecule है जिसमें already water present है, it forms organic solvents, एक तरफ मेरे पास organic solvent है, organic solute present है जिसमें कोई water present नहीं। ठीक है राजे, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी? ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी ऑलरेडी वाटर दे विच सॉल्युबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है राजे, सो अगर उसकी लेटेस में, उसके अरेंजमेंट में, उसके मॉलिक्यूल में वाटर ने अपनी जगह बनाई है इन सॉल्वेंट्स, सो ये वाली कैटेगरी ऑफ ड्रग विल ईजिली गो इन टू वाटर एज कम्पेयर टू द सॉल्वेट और द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहाँ मेरा वाटर रीच ही नहीं कर सकता। सो मूविंग अहेड टू द सेकेंड फैक्टर विच इज माई सॉल्वेंट रिलेटेड फैक्टर, एंड द सॉल्वेंट रिलेटेड फैक्टर वी विल डिस्कस थ्री सब कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी द नेचर ऑफ माई सॉल्वेंट, सेकेंड विल बी द पी एच ऑफ द सॉल्वेंट, एंड थर्ड विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। फर्स्ट फैक्टर विच इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसमें आप डायरेक्टली आ जाओगे लाइक डिसॉल्व, लाइक इफ माई सॉल्वेंट इज पोलर, मेरा सॉल्वेंट पोलर है, इट कैन ईजिली डिजॉल्व एनी पोलर ड्रग और एनी आयनिक ड्रग, इवन एनी नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
इवन एनी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे केस में अगर मैं नॉन पोलर ड्रग्स की बात करूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैन ओनली डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। सो मेरा कोई भी सॉल्वेंट होगा, इट विल फॉलो दिस प्रिंसिपल, दैट इज लाइक डिजॉल्वमेंट। जो उसकी प्रॉपर्टी होगी मेरे सॉल्वेंट की, वैसे ही प्रॉपर्टी के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को वो सॉल्युबलाइज कर सकता है। इसमें एक टर्म आ जाती है बच्चे, यू माइट हैव हर्ड, कोसॉल्वेंट्स। कोसॉल्वेंट्स क्या चीज होती है ना? कोसॉल्वेंट क्या होता है? इफ अ सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स रेदर दैन इन अ सिंगल सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्यूट मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में बेटर सॉल्युबलाइज हो दैन अ सिंगल सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट विच इज यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द कोसॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ किसी ड्रग की। दिस इज सपोज, दिस इज माई ड्रग, जिसको मैं, मेरा सॉल्वेंट है, ये मेरी नॉन पोलर ड्रग है, और मेरा सॉल्वेंट है वाटर विच इज अ पोलर सॉल्वेंट। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, माई नॉन पोलर ड्रग विल नॉट गो इन टू माई वॉटर। वॉट आई कैन डू, आई कैन एड सम थर्ड सॉल्वेंट इन टू इट, एक थर्ड कॉम्पोनेंट में इसमें ऐड कर सकती हूँ। दिस इज माई सॉल्यूट, दिस इज माई सॉल्वेंट। अगर मेरा सॉल्यूट मेरे सॉल्वेंट में नहीं जा रहा, एक मैं थर्ड कॉम्पोनेंट इसमें ऐड करूँगी, जिसको मैं कहूँगी को सॉल्वेंट, जिसका काम क्या होगा, वो मेरे सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में नहीं जा रहा था उसको सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेगा। दिस थर्ड कॉम्पोनेंट विच बेसिकली इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ माई सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ को सॉल्वेंट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कोसॉल्वेंट्स। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कोसॉल्वेंट्स, ठीक है राजे। द सेकेंड फैक्टर इज द पीएच ऑफ द सॉल्वेंट। पीएच ऑफ द सॉल्वेंट में आई होप यू हैव हर्ड वन इक्वेशन विच इज कॉल्ड हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। आई होप कि आपने ये इक्वेशन पहले एटलीस्ट नाम सुना। पीएच में क्या आप डिस्कस करते हो बच्चे, जितनी भी हमारी ड्रग्स है ना, मोस्ट ऑफ माय ड्रग्स जो हम लेते हैं, जिनका कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वी नो कि इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, दे जर्नली आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं राजे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली बहुत कम आयनाइज होते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन पीएच उनकी आयनाइजेशन होती है, मतलब उनकी आयनाइजेशन ऐसे हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर पीएच पे ज्यादा हो, दूसरी पीएच पे उनकी आयनाइजेशन कम, बट कंप्लीट कभी नहीं होती, ठीक है राजे। व्हाट वी नो टिल नाउ इज कि जितनी ड्रग की आयनाइजेशन ज्यादा होगी, अगर मैं अब आपको एक बीकर से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पैरासिटामोल टेबलेट, जब मैंने पैरासिटामोल की टेबलेट अपनी इंजेस्ट की फ्रॉम माउथ, तो क्या होगा, मेरी जीआईटी में वो ट्रेवल करेगी सबसे पहले मेरे ओएसोफेगस में से पास करके, वेयर इट विल रीच टू माई स्टमक, मेरे स्टमक में रीच कर गई मेरी ड्रग, ठीक है। नाउ माई ड्रग इज प्रेजेंट इन माई स्टमक। अगर तो स्टमक में उसका रेजिडेंस टाइम इतना है, खाने से पहले ली है, तो मेरी ड्रग जो है, खाली पेट ली है तो फटाफट मेरी टेबलेट उसमें से क्रॉस कर जाएगी, अगर नहीं खाने के साथ ली है तो मेरी ड्रग जो है वो स्टमक में पड़ी रही और स्टमक में से पास कर रही है, इट विल गो इन टू माई इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि मेरी ड्रग ल्यूमन में, मेरे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है उसमें प्रेजेंट है। इन आर ल्यूमन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स, हमारे ल्यूमन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, उन फ्लूइड्स का जो बेस होता है दैट विल ऑलवेज बी वाटर,
ठीक है, अब चाहे मेरी ड्रग स्टमक में सॉल्युबलाइज हो रही है, या मेरी ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉल्युबलाइज हो रही है, या मेरी ड्रग लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्युबलाइज हो रही है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट थिंग इज कि माई ड्रग इज गेटिंग सॉल्युबलाइज इन द फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इन माई गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमन. अब कोई भी ड्रग सॉल्युबलाइज कब ज्यादा होती है, जब वो आयोनाइज होती है. ठीक है, आई हैव सेड कि जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है राजे, दे आर जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब कौन सी ड्रग किस पीएच पे कितनी आयनाइज्ड और कितनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज गिवन बाय वन इक्वेशन विच इज कॉल्ड हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन. इफ आई राइट दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन फॉर वीक एसिड्स, you have to learn this equation. For weak acids, pH is equal to pKa plus log ionized drug upon unionized drug. Why I have written this square brackets for these two, ionized and unionized drug? स्क्वेयर ब्रैकेट्स डिमार्केट कि यहाँ हम उनकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. सो द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग इन अ सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम. यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं राजी, ये पीएच जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज फॉर माई मीडियम. मेरे मीडियम, मेरे सॉल्वेंट, मेरे गैस्ट्रिक फ्लूइड की क्या पीएच है वो मॉनिटर करेगी कि मेरी कितनी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में है. सेकेंड, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ माय ड्रग. फॉर वीक बेस सेम इक्वेशन होगी, मेरे ऊपर वैसे ही पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग, ऊपर अनआयनाइज्ड आ जाएगा, नीचे मेरा आयनाइज्ड आ जाएगा. फॉर एग्जांपल मेरी कोई बेसिक ड्रग है, मेरी एल्कलॉइडल ड्रग है विच इज बेसिक इन नेचर. बेसिक ड्रग मेरी आयनाइज ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगी, अंडर एसिडिक कंडीशन. स्टमक में ये ज्यादा आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगी. सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ माई बेसिक अल्कलॉइडल ड्रग विल बी मोर इन स्टमक एज कम्पेयर टू माई थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर अंडर माई सेकेंड कैटेगरी विच इज सॉल्वेंट रिलेटेड इज द वॉल्यूम ऑफ माई सॉल्वेंट. वॉल्यूम से राजे कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है, जितनी मेरी सॉल्वेंट की वॉल्यूम ज्यादा होगी उतनी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इन द ड्रग इन माई सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सॉल्वेंट, एक तरफ मेरे पास 50 ml वाटर प्रेजेंट है और दूसरे बीकर में आई हैव 100 ml ऑफ वाटर. आई वॉन्ट टू सॉल्युबलाइज अ ड्रग इन दोनों में, एक ड्रग 200 mg पैरासिटामोल मैंने डिसॉल्व कर, 50 ml है, दूसरी साइड मेरा 100 ml है, किसमें फास्ट डिजॉल्व होगी, ऑब्वियसली इन 100. ठीक है, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट यू ऑलवेज शुड अंडरस्टैंड वन टर्म विच इज कॉल्ड असिंक कंडीशन. सिंक कंडीशन समझ लो राजे, सिंक समझ लो. सिंक में क्या होता है राजे, यू हैव एन इनलेट इन द फॉर्म ऑफ अ टैप, टैप में से वाटर जो है वो आपका ऐड हो रहा है और नीचे आपकी एक आउटलेट होती है. इफ योर आउटलेट इज फुली फंक्शनल एंड योर टैप इज फुली फंक्शनल, कोई भी ऐसी मूवमेंट, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपके सिंक में आपका जो सॉल्वेंट है, आपका जो वाटर है वो कलेक्ट होगा. ठीक है, एक इनकमिंग प्रोसेस हो रहा है, एक आउटगोइंग प्रोसेस हो रहा है ना. मतलब कोई भी चीज मैं ऐड कर रही हूँ उसे कोई रेजिस्टेंस यहाँ नहीं मिल रही, क्योंकि मेरी आउटलेट मैकेनिज्म इक्वली वर्क कर रहा है. अगर मैं इस मैकेनिज्म को एक्सट्रापोलेट करूँ मेरी सॉल्युबिलिटी के साथ, अगर मैं ऐसी कंडीशंस अपनी ड्रग को प्रोवाइड कर दूँ कि उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कभी रेजिस्टेंस ही ना क्रिएट करे, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द सेंक कंडीशन. व्हाई दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, ये टर्म इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, यहाँ मैंने बीकर की बात की. बीकर का एनवायरनमेंट बहुत इंक्लोज्ड होता है,
है ना, 100 ml सॉल्वेंट मैंने डाल दिया, 100 ml सॉल्वेंट मेरे बीकर में पड़ा है, उसमें मैं ड्रग डाल रही हूँ, विद टाइम क्या होगा, दैट 100 ml विल नॉट बी सफिशियंट कि जो मैं ऐड कर रही हूँ ड्रग उसमें, वो इसी उसमें सॉल्युबलाइज हो जाए, है ना। लास्ट मैंने आपसे डिस्कस की कि सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरी ड्रग बॉडी में जाके कैसे सॉल्युबलाइज है, है ना। लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि ये GIT है, GIT के ल्यूमेन में ड्रग ने डिसॉल्व होना है, ड्रग ने डिसॉल्व होके जाना कहाँ है, ड्रग ने ल्यूमेन, ये जो मेरी GIT की वॉल है, ये मेरी स्टमक की वॉल है, इसको क्रॉस करके उसने कहाँ पहुँचना है, इनटू ब्लड स्ट्रीम। अज्यूमिंगली दिस इज द वॉल ऑफ माई GIT, ठीक है, ये मेरा ब्लड स्ट्रीम है, ड्रग मैं एंटर कर रही हूँ, ब्लड स्ट्रीम उसको पिक कर रही है, और जो ड्रग अब्सॉर्ब हुई जिस पोजीशन पे, मान लो स्टमक की वॉल ने मेरी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग को अब्सॉर्ब किया, वो इमीडिएटली ब्लड ने पिक किया और यहाँ से रिमूव आउट कर दिया। द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ ब्लड विल अपीयर ओवर हियर एंड इट इज रेडी टू टेक मोर एंड मोर ड्रग इन टू इट। सो मेरी बॉडी में ऑलरेडी सेम कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं, बट मेरी लैब में सेम कंडीशंस नहीं होती। सो लैब में मैं क्या करती हूँ, व्हेन आई वांट टू एक्सट्रापोलेट माय बॉडी कंडीशंस टू माय लैब कंडीशन, अगर मैंने सॉल्युबिलिटी देखनी है ड्रग की और आई वांट के मेरी बॉडी की इन्वायरमेंट, बॉडी की कंडीशंस मेरी लैब में भी एग्जिस्ट करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ड्रग की सॉल्युबिलिटी को पहले चेक कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्रग की सॉल्युबिलिटी 10 mg/ml है, ठीक है, एंड इफ आई वॉन्ट टू टेस्ट 100 mg ऑफ माई ड्रग इन टू माई सॉल्वेंट, ठीक है, 1 ml में 10 mg जाती थी, 100 mg कितने में जाएगी बच्चे, 10 ml मुझे सॉल्वेंट चाहिए, इंस्टेड ऑफ 10 ml आई एम गिविंग इट 100 ml, वॉट आई एम डूइंग, आई एम प्रोवाइडिंग सेम कंडीशंस, कोई ऐसा पॉइंट ना उसे लगे जहां वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्वेंट इज द लिमिटिंग फैक्टर टू डिसॉल्व दैट ड्रग, बिकॉज volume of solvent is a limiting factor in my lab, but it is not a limiting factor in my body, क्योंकि मेरी body में already मेरी एक natural environment है, जो मेरा blood है वो regularly मेरी drug को pick कर रहा है lumen की surface से और मुझे same conditions provide कर रहा है। So today we have discussed two factors out of those four. We discuss the first solute related factors, we discuss the solvent related factors.